आप देख रहे हैं VHBC News। नमस्ते। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर व्यंग बाण छोड़े हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि आज मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि एक ही काम कर दो, फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, चुनाव से पहले 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो, तो दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा। वहीं आगे दिल्ली में आपराधिक घटनाओं का डेटा पेश करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज दिल्ली में चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर ने ठिकाने बना लिए हैं, अपराध ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। 90 के दशक में जो हाल मुंबई का था वो दिल्ली का हो रहा है। कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुरानी पुलिस के पास नहीं जाती, पुलिस FIR नहीं करती, आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल है। दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है। बस के मार्शल के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजनीति में आने से पहले मैंने 10 साल झुग्गियों में काम किया था, 10 साल बस में खाक छानी, पता है मुझे वहाँ क्या व्यवस्था होती है। एक महिला जब बस में चढ़ती है तो सीट ना मिलने तो उसे क्या उसके साथ व्यवहार किया जाता है। मैं 3-4 साल LG के पास गया, पैर पकड़े और कहा कि बस मार्शल मत बंद करो, महिलाओं को असुरक्षित कर दिया है और मार्शल कौन है, ये गरीब बच्चे हैं, 15,000 रुपये महीने के मिलते थे। बीजेपी गरीब विरोधी है। दिल्ली की जनता से आगे वादा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं आ गया हूँ, आपके सारे काम कर दूंगा, सबकी नौकरी वापस करवाऊंगा, तनख्वाह दिलवाऊंगा। वहीं पूर्व बस मार्शल से केजरीवाल ने कहा है कि आपका बड़ा भाई आ गया है, हम मिलकर लड़ेंगे। केजरीवाल ने शनिवार की घटना पर कहा है कि मैंने देखा है कि कल कैसे सौरभ भारद्वाज विजेंद्र गुप्ता के पैर पड़ रहे थे, आज कोई मंत्री बन जाए तो उसका अहंकार हो जाता है। सौरभ भारद्वाज आपका मंत्री है, कल देश का जनतंत्र भाजपा के पैरों में पड़कर करा रहा था। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें VHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।